हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6B का ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो हम इसमें आपको क्वेश्चंस बताते हैं 6B का। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, 8 प्लस 4 माइनस डिवाइड 2 इनटू 5 है इज इक्वल व्हाट, मतलब क्या होगा। ऑप्शनल है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है, लेकिन जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट, इसका ऑप्शन आप नहीं दे सकते। तो आप जानते हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड की क्रिया करेंगे, तो 8 प्लस 2 टू जा 4, 2 इंटू 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 8 प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1 का जो है सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसी तरह 2 स्टूडेंट ले लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन में है 54 डिवाइड 3 ऑफ 6 प्लस 9 है स्टूडेंट इज इक्वल टू व्हाट है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफ की क्रिया करेंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 54 डिवाइड 6 3 जा 18 और प्लस हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे डिवाइड की क्रिया करेंगे 18 3 जा 54 होता है, 3 प्लस 9 इज इक्वल हो जाएगा आपको 12 है स्टूडेंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी तरह आप देख सकते हैं थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में आपका है 13 माइनस छोटा ब्रैकेट है 12 माइनस 6 डिवाइड 3। सबसे पहले स्टूडेंट 13 माइनस 12 इसका क्रिया कर लेंगे 3 टू जा 6, फिर ये आपका हो जाएगा 13 माइनस इसका क्रिया करेंगे 12 में से 2 घटाएंगे 10 इज इक्वल हो जाएगा 13 में से 10 गया 3 स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन से 4 नंबर है 1001 डिवाइड 11 ऑफ 13 है। सबसे पहले आप ऑफ की क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा 1001 डिवाइड हो जाएगा 13 हो जाएगा 13 और 13 और 1 14। अब इसको स्टूडेंट्स डिवाइड कर लेंगे 1001 डिवाइड हो जाएगा 143 इज इक्वल हो जाएगा 7 4 7 9 7 7 1 7 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
हो जाएगा इसमें ए। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका 6B जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व करके और उसके बाद इसका जो ऑप्शन है उसका आंसर ऑप्शन टिक करके बना लेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट आपका 6C है, यहाँ पे 6C होगा जो कि टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर है, इसको भी वैसे ही बनाते हैं। टेस्ट पेपर में आप 6 देखेंगे टेस्ट पेपर में, तो पहला ए नंबर पे बोल रहा है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। नंबर वन हो जाएगा ये आपका बोला 16 छोटा ब्रैकेट है 11 नहीं स्क्वायर ब्रैकेट है 11 प्लस उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट है 8 माइनस छोटा ब्रैकेट है 6 माइनस 4 माइनस 2 इसके बाद है और ये बंद हो गया छोटा वाला, फिर मिडिल बंद हो गया और फिर स्क्वायर बंद हो गया। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम इस बार की क्रिया करेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 11 प्लस ये मिडिल ब्रैकेट 8 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, तो 16 माइनस हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा 11 प्लस मिडिल हो जाएगा 8 माइनस और 6 में से 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये आपका मिडिल स्मॉल ब्रैकेट का खत्म हो गया। अब आप मिडिल ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे तो 16 माइनस बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा 11 प्लस 8 माइनस 4 इक्वल 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़े ब्रैकेट की क्रिया करेंगे 16 माइनस 11 प्लस 4 इक्वल 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से टेस्ट पेपर का 1 नंबर क्वेश्चन से जो सिंप्लीफाई करना है जो आपने सीखा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बी नंबर्स में है स्टूडेंट्स, बी नंबर्स में आपका बोल रहे हैं मार्क करें, मार्क मार्क रखना राइट अगेंस्ट 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 द करेक्ट ऑप्शन, अगेंस्ट द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करना है। इसका भी क्वेश्चन नंबर वन देख लीजिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि 15 प्लस 5 डिवाइड 5 इंटू 2 इक्वल व्हाट। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आप डिवाइड की क्रिया करेंगे, 5 हो जाए 5 हो जाएगा, तो ये 15 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे, 2 1 जाए 2 हो जाएगा, 15 और प्लस 2 17 हो जाएगा। तो इसका आपको ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी नंबर में 2 दिया हुआ है, तो ये आंसर इस तरह से आप कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे एक्सरसाइज जो है और 6 बी भी कंप्लीट हो गया, 6 बी भी हो गया और सीसी टेस्ट पेपर भी हो गया टेस्ट पेपर। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6 जो है और एक्सरसाइज 6 और जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप इसको एक्सरसाइज ये जो है जो एक्सरसाइज ये ऑल कर लेंगे 6 चैप्टर और इसको खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 7 जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।